ओप्पो रेनो 6 5G आ गया हाथ में। हमने इसका पुराना वाला टेस्ट करा था और ऐसी काफी सारी चीजें थी सॉफ्टवेयर में, उसके बाद कैमरे में, जो हम टेस्ट नहीं कर पाए थे। और जो ओप्पो का एकदम प्रीमियम सेगमेंट है उसमें ये थोड़ा अपना छोटा भाई बन के आ रहा है। फटाफट खोले जाए, सेम टेक्सचर्ड साउंड आ रही है, अच्छा सा लगता है, एक प्रीमियम सा एक्सपीरियंस फील होता है। कुछ हमारी पुस्तकें, ऑफकोर्स हमारा पुस्तकों में इंटरेस्ट है, नहीं झूठ बोल दिया भाई, थोड़ी एक्साइटमेंट रोक के इसको एक साइड में रख देंगे। और भी इसके अंदर चीजें हैं, एक यूएसबी टाइप सी अपनी केबल है, पर एक ईयरफोन है, पर ये हमारा एक सुपर वूक 65 वॉट वाला चार्जर है। एक डिसेंट सा कवर आपको देखने के लिए मिल जाता है, और इसमें अगर एक चीज आप नोटिस करो तो साइड से एजेस थोड़े से फ्लैट लग रहे हैं, और फ्लैट एजेस की बात कर ही रहे तो ये स्मार्टफोन अपने पैरों पर वेरी नाइसली खड़ा हो गया, हैंड स्टैंड ऑल्सो एट द सेम टाइम साइड स्टैंड भी हो गया है। इसमें एक पूरा पंच होल कटआउट है और पूरा एज टू एज एक डिस्प्ले है, उसके साथ साथ हाथ में पकड़ने में काफी एक नया सा एक्सपीरियंस लग रहा है भाई। थोड़ा दिखा भी दे बाकी लोगों को, ओप्पो का नया फोन बताओ कैसा लग रहा है। थोड़ा देखा देखा सा लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है, सॉलिड फील आ रही है, पकड़ने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। इसमें अगर आप देखोगे तो दो एंटीना बैंड ऊपर की साइड पे, अगर नीचे की साइड होता तो दिखने में शायद बेटर लगता, बट परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से ऊपर की साइड पे थोड़ी बेटर आती है। इस साइड पे भी दो है, ऊपर नीचे साइड में वॉल्यूम रॉकर है, पूरा एक मेटालिक एल्यूमिनियम का फ्रेम है, उसके साथ साथ काफी एक हल्का सा प्रीमियम सा एक्सपीरियंस। डेफिनेटली अगर आप हाथ में इसको पकड़ोगे आपको एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन वाली 100% देगा। बैक साइड में एक जो डैजलिंग है, चमकदार सा ऐसे फील है, ये हम पहले से ही दिखा चुके हैं। और काफी सारे छोटे छोटे टचेस, जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो कैमरे के साइड साइड में थोड़ा सा उठा हुआ है, जिसकी वजह से अगर आप इसको ऐसे पीछे की साइड पे रखते हो तो कैमरे पे बिल्कुल स्क्रैचेस नहीं आते। और ऑफ कोर्स हमारा रंग बिरंगा एक्सपीरियंस तो है, उसके साथ साथ अगर आप फ्रंट से भी देखो तो एक 6.4 इंचेस का फुल एचडी सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इसमें स्लाइट सा एक 2.5D वाला जो कर्व है वो आपको देखने को मिल जाता है, और वो कर्व कंटिन्यू होता है, हल्का सा स्क्रीन पे भी कर्व है, बट डिस्प्ले को चेक कर ही रहे भाई, मेरे को पता है हर बार स्क्रीन गार्ड उतारते टाइम इतना मजा आता है। बट ऑल दे 90 हर्ट्ज़ का पैनल है, बट बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, और कलर्स उसके बाद जो डिटेल्स हैं वो डेफिनेटली भाई मुझे बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगी। जैसे इस टाइम की जो फुटेज है इसमें ब्लैक और ये जो बेजल्स हैं ये ऑलमोस्ट पूरे मिक्स हो जाते हैं, तो काफी इमर्सिव सा एक्सपीरियंस लगता है, और डिटेल और उसके बाद कलर जो है वो डेफिनेटली भाई इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी इंप्रेसिव मुझे लगे, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको दिखता रहेगा। जीवन का मकसद एमोलेड से थोड़ी सी बैटरी बचती है, और बैटरी बचने के बाद कर ही रहे तो आप इसमें डार्क मोड सेट कर सकते हो, इससे बैटरी काफी ज्यादा बचेगी। बाकी सारी चीजें साइड में, इसका जो सॉफ्टवेयर है उसमें काफी सारे आपको फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। रेनो 6 प्रो में भी हमने हल्का सा ट्राई करा था, इसमें हमने थोड़ा इनडेप्थ ट्राई करा तो हमको ऐसी ऐसी चीजें मिली जिन्होंने डेफिनेटली काफी हमको सरप्राइज करा। ये समझ लो आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप 3 फिंगर स्वाइप से ले सकते हो डायरेक्टली, और अगर आपको किसी एक सर्टेन पार्ट का लेना है तो आप 3 फिंगर ऐसे होल्ड करके रखो, उसके बाद आप इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो टेक्स्ट, अगर हिंदी में अगर आपको करने का मन कर जाए। यहाँ पे देखो सारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली इसने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, किसी और लैंग्वेज में आप करना चाहो वो भी होता है, गूगल लेंस का ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन है। उसके साथ साथ अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट लिया है उसमें अगर आपको क्रॉप करना है या फिर किसी शेप को काट के आपको उस स्क्रीनशॉट को एडिट करना है वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद डूडल करने का मन कर जाए, फायर वायर बनाने का मन कर जाए, एक स्क्रीनशॉट के अंदर इतने सारे फीचर डाल रखे मेरे को बिल्कुल एक कस्टम रोम वाली फील आ रही है। ये सारे फीचर स्क्रीनशॉट वाले काफी ज्यादा यूज होते हैं, और डार्क मोड में भी जो मैंने आपको पहले दिखाया था आप लिटरली डार्क मोड की सेटिंग्स में जा सकते हो, मीडियम जेंटल एनहांस डार्क मोड, एनहांस में बैटरी थोड़ी ज्यादा बचेगी। ये सारे मोड्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, सबको कस्टमाइज कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप पर्सनलाइजेशन में जाओ तो आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो पूरे UI में जहां भी आपको मन करे। उसके साथ साथ ऐप लेआउट जितने भी कॉलम्स आपको रखने हैं, फिर उसका फिंगरप्रिंट का स्टाइल है, और नोटिफिकेशन ड्रॉअर के आइकन्स भी अगर आपको राउंड करने हैं, आपको राउंड वाले ज्यादा पसंद है क्योंकि हमारी दुनिया भी गोल है। और जैसे मैं अगर डार्क मोड ऑन करता हूँ ना तो पूरा सिस्टम वाइड रहता है, आपके वॉलपेपर्स आइकन सब चेंज हो जाते हैं। और जैसे इसको अभी बंद करता हूँ मैं तो भाई वॉलपेपर भी हल्का सा लाइट हो गया, आइकन्स भी लाइट हो गए, जो गूगल बार आ रही थी ये भी काफी लाइट हो गए, सिस्टम वाइड काफी सटल सटल चेंजेस आपको देखने में मिलते हैं, और ये डेफिनेटली एक बहुत ही रिफाइंड एक फ्लैगशिप सा एक्सपीरियंस है। बट थोड़े बहुत आपको एक्स्ट्रा एप्स देखने के लिए मिल जाते हैं, हमारा मौज है डेली हंटिंग वंटिंग भी कर सकते हैं, बट इसके साथ साथ आप इनको अनइंस्टॉल कर सकते हो, और खाली नॉर्मल एप्स नहीं काफी सारी सिस्टम वाली एप्स भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। जैसे इसमें एक स्वरूप करके एप्लीकेशन आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो, बट अगर आपने गलती से भी अनइंस्टॉल कर दिया है तो आप इसको रिकवर भी कर सकते हो, सेटिंग्स में जाके एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि UI काफी ज्यादा इनडेप्थ है, काफी सारी छोटी छोटी यूजफुल फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और हमने जब अंदर घुस के टेस्टिंग करी हमको बहुत ज्यादा मजा आया। बट एक चीज की टेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कैमरे की टेस्टिंग करने के लिए फुली रेडी हो चुके, बाहर थोड़ा निकलना कम हो रहा है, बारिश
ख्वाहिश चली जा रही है। तो सबसे पहले एक प्राइमरी सेंसर से एक फोटो खींचते हैं, ये आर पार करके भी एक फोटो खींचने की कोशिश करते हैं, एक फोटो खुले में भी खींचने की कोशिश करते हैं। ये वाली प्राइमरी से है, ये वाली वाइड एंगल से, ये 10x में हमारा लोगो मस्त चमकता हुआ, और ऑफ कोर्स फाइनली हमारी सेल्फी। इसमें एक चीज बहुत अच्छी लगी, जो डायनेमिक रेंज है ना, जो लाइट्स वाइट्स में वो भी काफी हद तक क्लियरली दिख रही है। वैसे वाली फोटो में जो ऑरेंज लाइट है, फिर उसके बाद ऊपर से भी जो आ रहा है, काफी अच्छी बैलेंस्ड कलरफुल इमेज आपको देखने को मिल रही है, उसके साथ साथ काफी अच्छी डिटेल भी आपको देखने को मिली। कैमरास के मामले में भाई ओप्पो डेफिनेटली काफी इनोवेटिव रहता है, और स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर में जो फीचर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्लैम की फोटो खींच के दूं, तो अगर आप नॉर्मली खींचोगे तो बल्ब पूरा से वाइट सा आएगा, बट अगर आप एआई ऑन कर दोगे काफी हद तक आर्टिफिशियल एचडीआर सा क्रिएट करता है, और आप सेम लैम्प की फोटो काफी अच्छी डिटेल में खींच सकते हो। जैसे ये वाली हमारी पुरानी फोटो है और ये वाली हमारी दूसरी फोटो है, इसमें लिटरली जिस कंपनी में बल्ब बनाया वो भी आप देख सकते हो। एचडीआर का मतलब ये है कि जो सबसे रोशनी वाले एरियाज है और सबसे अंधेरे वाले एरियाज है, सबकी डिटेल कैप्चर हो जाती है फोटो में। और ये काफी महंगे महंगे कैमरास करते हैं, बट इसमें ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाती हैं। उसके साथ साथ और भी एक सॉफ्टवेयर में काफी जादू हो रहा है, जैसे अगर मैं वीडियो में बात करूं तो एक बैकग्राउंड में डीफोकस वाला ऑप्शन है। जैसे अभी देवेंद्र की वीडियो बना रहा हूं तो भाई इतना उदास हूं तो पूरा बैकग्राउंड एक ब्लरी सा आता है, पर डेफिनेटली अगर मैं अपना हाथ वाथ भी मूव करूं तो काफी अच्छे से ये बैकग्राउंड को ट्रैक कर ले रहा है। और सेम चीज मैंने स्टेबिलाईजेशन में भी नोटिस करी, ऑल्दो इसमें ओआईएस नहीं है, बट ये सॉफ्टवेयर के थ्रू काफी अच्छी ईआईएस प्रोवाइड करता है कि शायद जब आप वीडियो बनाओ तो आपको जरूरत ना पड़े। दिखा दो जैसे भाई टक्कर ना हो जाए ये वाली चेयर को रोल करते हैं, बट अगर सवाल तो भाग के भी आता और भाग के आने में भी काफी कम शेखता। नाइट मोड भी एक ऐसी चीज है काफी ज्यादा इंप्रूव होती जा रही है, जैसे अगर आप कांच की ऐसी खिड़की में देखोगे तो आपको बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं दिखेगा, बट अगर मैं फोन से एक फोटो लूं इसको ऐसे एकदम चिपका के, तो ऑल्दो 10-15 सेकंड में एक फोटो लेगा, बट आपको काफी हद तक पीछे की साइड पे जो पेड़ पौधे हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे, ऑल्दो बाहर ऑलमोस्ट पूरा अंधेरा है। ये सारी टेस्टिंग हो चुकी है, बट एक वेरी इंपॉर्टेंट टेस्टिंग रह गई है। बजमी विद सब्जी का मौसम वापस आने लगा है। ग्राफिक्स इसमें स्मूथ पे हाई ही अवेलेबल है, आप मैक्सिमम HD सेटिंग पे इसको चला सकते हो, और भाई आवाज भी काफी अच्छी आ रही है। नीचे की साइड सिंगल स्पीकर है, बट भाई मजेदार सी आवाज है। वैसे एकदम इस वाले फोन में भाई ग्रिप बहुत तगड़ी आ रही है, और तो फ्रेम रेट थोड़ा कम है, बट स्क्रीन काफी स्मूथ है और जो डिस्प्ले है वो काफी मजेदार सा लग रहा है। ओ यार पिटाई पे पिटाई भाई, छुप छुप के मारना पड़ेगा। ओ भाई एक तो मारने दो, थोड़ा रहम कर लो भाई, एक तो मार लिया। कहाँ छुप के बैठ गया है मुझे दिखाओ। ओ भाई पीछे से आके वार, ये मुझे पसंद नहीं आया। इस वाले स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर है वो हमने पहली बार ट्राई करा है, काफी एक नया प्रोसेसर है। मीडियाटेक 900, 800 और 1200 के बीच में आ रहा है। अगर मैं एकदम सीधा सीधा बताऊं तो एक काफी केपेबल प्रोसेसर है, बट इस टाइम पे क्योंकि काफी नया है तो ऑप्टिमाइज नहीं है गेमिंग के लिए, तो अभी हाई सेटिंग्स पे गेम्स नहीं चल पा रही है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस हमको UI में और बाकी सारी चीजों में काफी कंफर्टेबल सी लगी, और ओवरऑल एक डिसेंट प्रोसेसर आप इसको बोल सकते हो प्राइस के लिए। ओवरऑल एज अ पैकेज अगर मैं देखूं, अगर आपको एक कैमरा सेंट्रिक या फिर डिजाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए तो ये डेफिनेटली एक काफी प्रीमियम परचेज रहेगी और आपको मजा आने वाला है इसको यूज करने में। बता दें इस वाली वीडियो के लिए, अगर आप अच्छे लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। ओह माय गॉड दोस्तों, अंधेरा छा गया है।